अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। सुशांत सिंह के पिता ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हैं और हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया में इस बात को स्वीकारा भी था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया है। उन्होंने केस में सुशांत को फंसाकर उनसे पैसे लेने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर पर सुसाइड कर लिया था। वहीं सुशांत के निधन के एक महीने पूरा होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और इमोशनल पोस्ट लिखा था। बता दें कि मुंबई पुलिस प्रशासन सुशांत सिंह के आत्महत्या मामले को लेकर बारीकियों से जांच कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता ने भी मंगलवार को बयान दर्ज कराने के लिए अम्बोली थाने पहुंचे थे। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। राजपूत ने करण जौहर के इस प्रोडक्शन हाउस के साथ 2019 में फिल्म ड्राइव में काम किया था। अधिकारी ने कहा है कि पुलिस के समन पर मेहता दोपहर के समय अम्बोली थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो राजपूत और प्रोडक्शन हाउस द्वारा हस्ताक्षर किए गए अनुबंध दस्तावेज भी अपने साथ लाए। वहीं मुंबई पुलिस इस मामले में सोमवार को फिल्मकार महेश भट्ट का बयान भी दर्ज किया था। सुशांत का शव 14 जून को उनके कमरे में फंदे से लटका मिला था। पुलिस इस मामले में राजपूत के परिवार के सदस्यों, रसोइये, बॉलीवुड हस्तियों संजय लीला भंसाली, फिल्म समीक्षक राजीव मसंद, अभिनेत्री संजना सांघी, उनकी महिला मित्र रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग निर्देशक सानू शर्मा, फिल्मकार मुकेश छाबड़ा और यशराज फिल्म के आदित्य चोपड़ा समेत 40 लोगों के बयान दर्ज करा चुकी है। वहीं बॉलीवुड दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की विसरा जांच रिपोर्ट में पिछले महीने उनकी मौत के संबंध में किसी भी साजिश से इनकार की बात कही गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस को अभिनेता की विसरा जांच रिपोर्ट मिली है जो निगेटिव है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।